गदर 2 का ट्रेलर आ चुका है और सनी पाजी ने इस ट्रेलर में जितने हथौड़े चलाए हैं ना उतने तो हेटर्स के मुंह चुप कराने के लिए बहुत होंगे। तो कैसा ये ट्रेलर, आइए बात करते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि क्या है इस मूवी की स्टोरी और कितना अच्छा ये ट्रेलर आया है या नहीं। तो मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं तेरा मेरा रिव्यू चैनल। पर उससे पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये ट्रेलर आपको उतना गूज़बम देके गया जितने की उम्मीद थी? क्योंकि मैंने अपने एक कम्युनिटी ग्रुप में एक पोल डाला था जिसमें ऑडियंस से पूछा था आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा या ठीक ठीक या हद से ज्यादा अच्छा। तो 67% लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? मैं अपनी बात करूं तो मुझे ट्रेलर ज्यादा गूसपम नहीं देके गया, पर हाँ इस मूवी के लिए जैसी ऑडियंस चाहिए वैसा ये मसाला जरूर देती है। भर भर के इसमें डायलॉग्स है पाकिस्तान के खिलाफ के, भर भर के एक्शन है वो भी हथौड़े के साथ, बहुत सारी बमबारी है, लड़ाई होगी और काफी सारे यूनिक सीन भी देखने को मिलेंगे। तो मास ऑडियंस के लिए ये तो बहुत है थिएटर के अंदर चिल्लाने के लिए। बात करें करेक्टर्स की तो हाँ हमें कुछ करेक्टर्स की कमी महसूस होती है इस ट्रेलर के अंदर। जैसे अमरेश पुरी सर जो विलन थे वैसा विलन दोबारा मिल पाना बहुत मुश्किल है और इस ट्रेलर में भी थोड़ी कमी वो महसूस होती है, क्योंकि जितने सन्नी पाजी इस ट्रेलर के अंदर घातक दिखाए गए हैं पर उतने ही इनके विलन मुझे कमजोर से लगते हैं, वो इम्पैक्ट फील नहीं हो पाता। पर ऑल ओवर आप इस ट्रेलर को देखोगे तो आपको मजा आएगा। बात करें अमीषा पटेल मैम्स की लुक की तो हाँ ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि इनके लुक्स पहले के लुक के मुकाबले थोड़े फीके पड़ गए हैं, पर वहीं सन्नी पाजी के लुक्स और वो इनोसिटी और वो गदरपन आज भी बरकरार है। और अगर इस बार बात करें जीते की तो वो इस बार ये नहीं कह रहे कि मैं भी जाऊंगा, इस बार वो खुद से चले ही गए हैं पाकिस्तान। खैर ऑल ओवर लुक ट्रेलर का अच्छा है, हमें ट्रेलर के अंदर वही सीन दिखाए गए हैं जिससे ऑडियंस और थोड़ी बूस्ट हो जाए। बात करें मूवी की स्टोरी की तो इस ट्रेलर से काफी कुछ झलक कर सामने आ जाता है कि सनी पाजी की फैमिली खुशी खुशी रह रही होती है, पर 1971 के टाइम में जो सीन हुआ था और उसमें कौन जीता था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पहले से पता है। उस टाइम के दौर का ये सारी स्टोरी हमें दिखाई जाएगी जिसमें जीते किसी वजह से पाकिस्तान जाएगा और वहाँ पकड़ा जाएगा और उसे बचाने उसके पिताजी सन्नी देओल आ जाएंगे पाकिस्तान और वो सबके इतने चितड़े कर देंगे कि हम गिनते गिनते लगता है कंफ्यूज हो जाएंगे। पर पूरा ट्रेलर कर दो एक तरफ और पूरे ट्रेलर में से सिर्फ 5 सेकंड का सीन कर दो एक तरफ जिसके अंदर हमें वो नलका दिखाया जाता है, जो मुझे लगता है इस मूवी में दोबारा फिल्माया जाएगा क्योंकि वो बहुत यूनिक सीन है और इस मूवी में ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ट्रेलर देखकर ये भी समझ आ रहा है कि काफी सारे यूनिक सीन इन्होंने अभी नहीं दिखाए जो हमें थिएटर में देखने को मिलेंगे और ऐसे डायलॉग भी देखने को मिलेंगे जिसपे हमें गूज़बम आ जाए, जिसकी ट्रेलर में अभी कमी महसूस होती है। बात करें मूवीज के गाने की तो कुछ गाने जो ट्रेलर में दिखाए गए हैं जैसे उड़ जा काले कावा, मैं निकला गड्डी लेके, इनको दोबारा रीट्यून किया गया है। अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल सिंगर को रिप्लेस नहीं किया गया है, खासकर मैं निकला गड्डी लेकर गाने के अंदर। देखो और कुछ हो या ना हो पर यह मूवी 11 अगस्त को आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराएगी और अपने फर्स्ट डे को हाउसफुल हर थिएटर में देकर जाएगी और अपनी ओपनिंग सबसे ज्यादा तगड़ी करके जाएगी। अगर आप में से किसी ने ये ट्रेलर नहीं देखा तो जाकर देख लो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करना मत भूलना। पर मैं तो चला OMG 2 मूवी का जो हर हर महादेव गाना आया उसे देखने, अगर आपका मन हो तो उसे भी देख लेना।